हेलो, मेरा नाम डॉक्टर ज्योत्सना वर्मा है। ये वीडियो मैं स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए बना रही हूँ जिनको नींद नहीं आती है, जो नींद ना आने की वजह से बहुत परेशान है। ये एक बिगनर्स के लिए मेडिटेशन प्रैक्टिस भी है। देखिए, मेडिटेशन जो है वो एक गेटवे है, बहुत बड़ा गेटवे है अपनी खुशी के लिए, सेल्फ हैप्पीनेस के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। आपको अगर अपनी खुशी के लिए किसी भी चीज़ पर निर्भर रहना पड़े तो वो खुशी नहीं है, सच्ची खुशी नहीं है। ये एक बहुत ही छोटा सा मेरी प्रयास है, छोटी सी मेरी कोशिश है कि आप लोग को एक इंट्रोडक्शन मेडिटेशन के लिए दिया जाए, क्योंकि इसकी बहुत आगे, बहुत आप एक्सट्रीम एडवांस लेवल पे भी मेरी कोशिश रहेगी वीडियोस डालने की, ताकि आप अपने दर्शन, अपने आत्म दर्शन कर सकें। और ये उन्हीं को समझ आएगी जिनका भगवान में थोड़ा सा भी विश्वास है। जिनका भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं है कि भगवान की एग्जिस्टेंस है, तो वो अपना टाइम ना वेस्ट करें इसको सुनने में। थैंक यू, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप घर पर हैं तो आप कोई योगा मैट यूज़ कर सकते हैं। अगर सर्दी का मौसम है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कोई मिंक ब्लैंकेट आप बिछाकर उसके ऊपर इस प्रैक्टिस को करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप गर्मी का मौसम है तो आप फर्श पर बैठकर भी इस प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में हैं तो आप चेयर पर सीधे बैठकर अपने हिप को चेयर के बैक के साथ लगाइए और रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से सीधा करके इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख लीजिएगा अगर आप ऑफिस में इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं। घर पे दो तरह से इस प्रैक्टिस को किया जा सकता है। एक तो है कि आप शव आसन में पूरी तरह लेट कर इसको कर सकते हैं, या फिर आप सुख आसन में बैठ कर इसको कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। अपनी आँखों को धीरे धीरे बंद कीजिए, धीरे धीरे अपनी आँखों को बंद कीजिए। कुछ लोग इसमें भी बड़ा परेशान हो जाते हैं, थोड़ी देर आँख नहीं बंद कर पाते हैं। परेशान ना होइए, ये स्टार्टिंग है। मैंने कहा ना, ये बिगनर्स के लिए है। जो लोग बिगिन कर रहे हैं, जिनको मेडिटेशन के बारे में कुछ पता नहीं है, तो उनको शुरू शुरू में दिक्कत आएगी, वो आँख भी बंद नहीं कर पाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो परेशान होने की इसमें कोई बात नहीं है, आप कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपका अभ्यास जैसे जैसे बढ़ेगा तो आपके लिए ईजी होता जाएगा। पूरा ध्यान अपनी सांसों की तरफ लेके जाइए, अपनी आती और जाती हुई सांसों को महसूस कीजिए। आप सारा ध्यान इस तरफ भी ले जा सकते हैं, मैं सांस ले रहा हूँ, मैं सांस छोड़ रहा हूँ। मन ही मन इस बात को आप बोल सकते हैं, लंबी गहरी सांस, मैं सांस ले रहा हूँ, मैं सांस छोड़ रहा हूँ। आपके मन में कई विचार आ रहे होंगे, कुछ काम ध्यान में आ रहे होंगे। अक्सर मेडिटेशन में ये रुकावटें आती हैं, लेकिन आपको अगर उनसे ध्यान हटाना है तो जो भी दिमाग में ख्याल आपके आ रहा है उसको एक पिक्चर बना के स्क्रीन पे ले आइए अपनी बंद आंखों के आगे। आप देखेंगे वो ख्याल उड़ जाएगा वहीं से, आप उसको देख नहीं पाएंगे। उसके दृष्टा बनने की कोशिश कीजिए। सपोज करिए आपको कोई बैंक का काम याद आ रहा है, तो उस बैंक के काम को आप सामने स्क्रीन पे ले आइए एक तरह से, वो ख्याल वहां से हट जाएगा। क्योंकि जितना आप उसके बारे में सोचेंगे ना कि ये करना है करना है, तो वो दिमाग में ही रहेगा। जो भी ख्याल आ रहा है, बच्चे का, वाइफ का, मम्मी पापा का, काम का, उसको अपने बंद आंखों के सामने एक पिक्चर की तरह ले आइए, उसको एक चलचित्र की तरह ले आइए, वो ख्याल वहीं से उड़ जाएगा। सारा ध्यान अपनी सांसों की ओर।
अपना सारा ध्यान अपने दाहिने पैर की तरफ ले आइए, दाहिने पैर की तरफ। उसको हल्का सा हिला के छोड़ दीजिए। फिर दाहिनी एड़ी की तरफ ले आइए ध्यान। उसको हल्का सा हिला के छोड़ दीजिए। उसको महसूस कीजिए कि आपका पैर है, आपकी एड़ी है। काफ मसल की ओर ले आइए अपनी ध्यान सारा। उसको फील करके छोड़ दीजिए। ऐसे छोड़ दीजिए जैसे पानी बहता है। जैसे आपने पानी फर्श पे डाल दो तो वो अपने आप बहता चला जाता है, उस तरीके से इसको छोड़ दीजिए। सारा ध्यान अपने घुटने की ओर, उसे छोड़ दीजिए। सारा ध्यान अपनी थाइस की ओर, राइट वाली थाई की ओर सारा ध्यान, उसे छोड़ दीजिए। अपना सारा ध्यान राइट वाले हिप की ओर, उसे छोड़ दीजिए। सारा ध्यान अपने उल्टे पैर की ओर, लेफ्ट पैर की ओर, उसे छोड़ दीजिए। अपनी दाहिनी एड़ी को महसूस कीजिए, लेफ्ट एड़ी को, उसे छोड़ दीजिए। लेफ्ट वाली काफ मसल को, लेफ्ट वाली नी को, लेफ्ट वाली थाई को फील करिए, उसे छोड़ दीजिए। सारा ध्यान लेफ्ट वाले हिप की ओर, उसे छोड़ दीजिए। सारा ध्यान अपने सीधे हाथ, सीधी हथेली, उसे ढीला छोड़ दीजिए। सभी उंगलियों को सीधे हाथ की ढीला छोड़ दीजिए। राइट फोरआर्म को ढीला छोड़ दीजिए। राइट हैंड की कोहनी को ढीला छोड़ दीजिए। सीधे कंधे को ढीला छोड़ दीजिए। सारा ध्यान लेफ्ट हाथ पे लेके जाइए, उसे ढीला छोड़ दीजिए। हथेली को ढीला छोड़ दीजिए। लेफ्ट हैंड की उंगलियों को भी ढीला छोड़ दीजिए। सारा ध्यान लेफ्ट फोरआर्म पे लेके जाइए, उसे ढीला छोड़ दीजिए। लेफ्ट कोहनी पे लेके जाइए, उसे ढीला छोड़ दीजिए। लेफ्ट कंधे पर लेके जाइए, उसे रिलैक्स, एकदम ढीला छोड़ दीजिए। ऐसी फीलिंग लाइए जैसे पानी बिखर रहा है फर्श के ऊपर, या आप धंसते जा रहे हैं। अगर आप शव आसन में हैं तो आप धंसते जा रहे हैं, इतना ढीला होना चाहिए। सारा ध्यान अपनी पीठ की ओर, पीठ के निचले हिस्से की ओर जहाँ पेन होता है, उसे एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए।
धीरे धीरे अपनी अपर बैक की ओर ध्यान लाइए, उसे भी ढीला छोड़ दीजिए। अपने सिर को ढीला छोड़ दीजिए, गर्दन को रिलैक्स होने दीजिए। सारा ध्यान अपने सीधे कान की ओर, सीधी भौंहों आईब्रोज की ओर, सीधे आँख की ओर, सीधे गाल की ओर, सारा ध्यान उल्टे कान की ओर, उल्टी आईब्रोज की ओर, लेफ्ट आई को भी ढीला छोड़ दीजिए, लेफ्ट गाल को भी ढीला छोड़ दीजिए। चिन को महसूस कीजिए अपने, नाक से गर्म हवा निकल रही होगी, उसको अपनी अपर लिप्स वाली जगह पे महसूस कीजिए। कुछ लोगों की सांस आप महसूस कर रहे होंगे बहुत धीमी हो चुकी है, ऐसा लग रहा है सांस आ ही नहीं रही है, बहुत धीरे हो चुकी है सांस आपकी। अब सारा ध्यान जहां आपको मंदिर का टीका लगता है या बिंदी लगाई जाती है, आईब्रोज माथे पर, आईब्रोज के सेंटर से थोड़ा सा ऊपर, सारा ध्यान वहां लेके जाइए। सांस लेते रहिए। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस आगे बढ़ेगी, आपको यहाँ कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा और एडवांस स्टेज पर आपको यहीं अपनी आत्मा के दर्शन भी होते हैं। धीरे धीरे अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाइए, दोनों हाथों को रब कीजिए, उसकी गर्मी को अपनी आंखों में लगाइए। और धीरे धीरे अपने मुंह के ऊपर गर्मी महसूस करते हुए हाथों को जोड़ लीजिए और आंखों को धीरे धीरे खोलिए। अपने माता पिता को, गुरु को प्रणाम करते हुए नमस्ते। मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में लिखिएगा, मैं इस तरह की और वीडियोस एडवांस लेवल की बनाकर डालने की पूरी कोशिश करूँगी। बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण।